नमस्कार किसान भाइयों, आरकी बीडस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह डीपी क्रॉस का मेल चक्स है। यदि इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको सत्रहवें दिन हो चुका है। सोलहवें दिन हम किसी प्रकार का वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि फार्म के अंदर गर्माहट बहुत थी, तो हालत ख़राब थी। यहाँ पे इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में है हम फार्म के अंदर ठंडा कैसे बनाएं। आप इस सेट के ऊपर फुहारा लगा सकते हैं, जैसे ही सेट है इसके ऊपर फुहारा नोजल लगा सकते हैं, जिससे कि नोजल चारों तरफ चलता रहे और फार्म के अंदर ठंडा बनी रहे। या फिर उसके अंदर बोरा बिछा सकते हैं, बोरा बिछाने के बाद उसमें पानी डालते रहें तब भी उसमें ठंडाहक बनी रहती है। या हल्का सा पानी का छिड़काव अंदर भी करते थे, हल्का हल्का सा स्प्रे टाइप का कर दें तो उसके कारण भी फार्म के अंदर ठंडाहक बन रहती है। इस प्रकार आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके फार्म के अंदर ठंडाहक बनाएं, क्योंकि वर्तमान का जो टेम्परेचर है करीब 38 से 40 डिग्री करीब जा रहा है। इस टेम्परेचर में मुर्गे को जो रहती है सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और यह ज़्यादातर बट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जब बट को गर्मी लगती है तो यह मुंह फाड़ के सांस लेता है, यानी कि कहने का तात्पर्य जब गर्मी लगती है तो यह मुंह फाड़ के सांस लेता है और अपनी गर्माहट निकालता है। जिस प्रकार हमको पसीना आता है और अपनी गर्माहट हम पसीने के द्वारा निकालते हैं, उस प्रकार मुर्गा या मुर्गी अपनी गर्माहट मुँह फाड़ के निकालते हैं। इस समस्या के लिए यह है अपने फार्म का टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर हो उससे कम से कम 4-5 डिग्री कम कर दें, जिसके कारण टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यह समस्या समाधान हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे बट को CRD हो गई है, मुंह फाड़ के सांस ले रहा है, तो यह किसी प्रकार की CRD नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब बट मुंह फाड़ के सांस लेता है तो आदमी समझता है कि CRD हो गई हो, जबकि यह CRD नहीं है। इसमें इसको गर्मी ज़्यादा लग रही है इसीलिए मुँह फाड़ के सांस लेता है। CRD में जब बट मुंह फाड़ के सांस लेता है, छिक छिक करता है, घरघराहट करता है, खराश करता है, तब समझ जाइए कि आपके फार्म में CRD उत्पन्न हो गई है। और भी उसमें कई प्रकार के उसमें लक्षण दिखाई देने लगती हैं। वर्तमान में इसको 17वां दिन हो चुका है और यह बट जो रहता है काफ़ी तेज़ी से डीपी क्रॉस का मेल ग्रोथ कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पंख अंग भी काफ़ी अच्छे से आ गए हैं। गर्मियों के दिनों मैंने बताया हुआ कि आपको किस प्रकार से इसका मैनेजमेंट करना है। और दूसरी बात है, आप इसको ठंडा पानी रखें, सुबह शाम के दोपहर पानी बदलते रहें, आप चाहें तो 4 घंटे के अंदर पानी बदलते रहें, क्योंकि जैसे ही इसके बर्तनों में पानी रहता है तो पानी भी गर्म हो जाता है और जैसे ही ये गर्म पानी पिएगा तो उसको और गर्मी के कारण इसमें उल्टा असर पड़ेगा। यानी कि 4 से 5 घंटे में पानी बदलते रहें, पानी अच्छा साफ़ सुथरा करके ठंडा पानी रखें जिससे इसको राहत मिले। जिस प्रकार हमको गर्मी लगती है हम ठंडा पानी पीते हैं, उसी प्रकार इसको भी हल्का सा ठंडा पानी रखें ताकि इसको भी राहत मिले। और गर्मियों के दिनों यह समस्या आ जाती है कि इसमें डायरिया उत्पन्न हो जाता है, तो पीली बीट उत्पन्न हो जाती है, पीली बीट के बाद सफ़ेद बीट, सफ़ेद बीट के बाद लाल बीट, और जब हरी बीट उत्पन्न हो जाती है समझ जाइए कि आपके बट को CRD हो गई है। हरी बीट जैसे ही करने लगे तो समझ जाइए कि इसमें CRD हो गई है और यह लक्षण काफ़ी खतरा वाले हैं। और मुंह फाड़ के सांस लेगा, बट छिक छिक करेगा और धीरे धीरे एक एक बट की मोटिलिटी हो जाएगी। फिर आप उस समय नियोडॉक्स पाउडर या CRD चेक करके एक पाउडर आता है, वह पाउडर आप इसमें चला सकते हैं। नियोडॉक्स पाउडर तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम चला सकते हैं। बट को हमेशा माइक्रोबलिज्म रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें और तत्व और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे उसमें इकोलॉजी या फिर और भी किसी प्रकार की बीमारी लगने लगती है, जब 2-3 प्रकार की बीमारी लगती है तो यह कुल मिला के कहा जा सकता है कि इसमें CRD की शिकायत आ गई। तो CRD में बट रहता है जो फिर पट पट करके मोर्टिलिटी काफ़ी रेशो तेज़ी से हो जाता है। इस प्रकार अपन जो बट रहता है उसको गर्मियों के दिनों बचाव करें, फार्म के ऊपर नोजल लगा दें, या फार्म के ऊपर नोजल की व्यवस्था नहीं है तो बोरे बिछा दें, बोर में और उसमें पानी डालते रहें और बट को हमेशा ठंडा पानी रखें। थोड़ा सा पानी का हल्का सा फुहारा का छिड़काव भी कर सकते हैं, इससे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो बट स्वस्थ रहेगा और तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों जो ग्रोथ रहती है ग्रोथ में भी काफ़ी अंतर आ जाता है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो जाती है। इसीलिए फार्म का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से लेगा और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आरकी बीडर्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।